गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम इस लेक्चर में टाइम एंड वर्क एक नया चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। चलिए इसे समझते हैं। मान लेते हैं कोई ए और बी, ए जो है वो 12 डेज लेता है कोई एक काम को पूरा करने के लिए, और बी जो है वो 24 डेज लेता है कोई एक काम को पूरा करने के लिए। तो बताइए, जब ए और बी दोनों साथ मिलकर काम करेगा तो उसे कितना डेज लगेगा? साथ मिलकर काम करेगा तो कितना दिन में वो काम कंप्लीट करेगा? सबसे पहले क्या करेंगे, 12 और 24 का एलसीएम लेंगे। किसका? एलसीएम ऑफ 12 एंड 24। ठीक है, 12 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 24। मतलब टोटल काम जो करना है वो 24 काम करना है, 24 वर्क करना है। इसे हमें ये पता चला। अब देखिए, 12 दिन में ये जो है 24 वर्क कर रहा है। कितना काम कर रहा है? 24 वर्क। तो बताइए का ए का इफिशियंसी क्या है? ए का इफिशियंसी क्या है? तो इफिशियंसी मतलब क्या हो गया? क्षमता। क्षमता कहने का मतलब एक दिन में कितना काम कर रहा है। तो ए जो है 12 डेज में कितना काम कर रहा है? 24 काम कर रहा है, 24 वर्क। तो एक दिन में कितना काम कर रहा है? वो 2 काम कर रहा है। ठीक है, एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2 वर्क। तो ए का जो इफिशियंसी हो जाएगा, क्या इफिशियंसी, वो 2 वर्क पर डे। ठीक है, 2 काम प्रतिदिन। अब बी जो है 24 दिन में 24 काम कर रहा है, तो बी का इफिशियंसी क्या हो जाएगा? 24 डेज में 24 काम कर रहा है, 24 वर्क। तो एक दिन में कितना करेगा? ये एक काम करेगा, तो इसका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? 1 वर्क पर डे। ठीक है, ए का एफिशिएंसी 2, बी का एफिशिएंसी 1। मतलब ए 12 दिन में 24 काम कर रहा है, तो एफिशिएंसी इसका कितना गया? 2 वर्क पर डे। बी जो है 24 दिन में 24 काम कर रहा है, इसका एफिशिएंसी क्या गया? 1 वर्क पर डे। अब बताइए, ए प्लस बी मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में इफिशियंसी कितना का है? 2 का, ए का और 1 बी का। तो एक दिन में कितना काम कर देगा? 2 प्लस 1 हो जाएगा, मतलब 3 वर्क करेगा। दोनों मिलकर जब काम करेगा तो एक दिन में 3 काम करेगा, तो है टोटल कितना काम करना? 24 काम करना। तो 24 काम कितना दिन में करेगा? तो नंबर ऑफ डेज निकालना है। नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएगा? टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो टोटल वर्क कितना है? 24। इफिशियंसी 3 का दोनों मिलकर करेगा तो मतलब 8 डेज कंप्लीट लेगा काम करने में। ठीक है, चलिए अब दूसरा चीज समझते हैं। कुछ इसे इरेज करते हैं पहले। नहीं, देखिए इसमें आप इस तरह से बना सकते हैं। ये तो कुछ ठीक मेथड है, यही आपका शॉर्ट मेथड बनेगा। ये तो अभी समझाने में इतना डिटेल में चलना पड़ा। देखिए, ए जो है वो 12 डेज ले रहा था। कितना डेज? 12 डेज। अब बी जो है वो जो है 24 डेज ले रहा था। बी जो है वो 24 डेज ले रहा था। तो देखिएगा, ए जो है एक दिन में 12 दिन में एक काम कर रहा है, और बी जो है 24 दिन में एक काम कर रहा है, 1 वर्क। ठीक है, तो एक दिन में ये कितना काम करेगा? 1/24, 1/12। और बी जो है वो कितना काम करेगा एक दिन में? 1/24।
दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा? 1/12 प्लस 1/24, एलसीएम कितना आ गया? 24। 2 + 1, 3/24, एक दिन में इतना वर्क करेगा, मतलब एक दिन में 1/8 काम करेगा। तो एक काम करने में कितना दिन लगेगा? 8 दिन हो जाएगा। एक काम करने में 80 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 दिन लग जाएगा। इस तरह से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, समझिएगा, मान लेते हैं ए बी सी तीन आदमी है। ए जो है 2 डेज ले रहा है, बी जो है वो 3 डेज ले रहा है, सी जो है वो 6 डेज ले रहा है कोई काम को करने में, ठीक है। ए 2 दिन में ए काम कर रहा है, बी 3 दिन में ए काम कर रहा है, सी 6 दिन में ए काम कर रहा है। तो बताइए तीनों साथ मिलकर जब काम करेगा तो कितना दिन में वो काम कंप्लीट करेगा? सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम निकालेंगे। इसका 2, 3 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ए का इफिशियंसी क्या हो जाएगा? किसका पूछे? इफिशियंसी। इफिशियंसी निकालने के लिए सिंपल समझिएगा, वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। 6/2 कितना जाएगा? 3। इसका एफिशिएंसी 3, मतलब 3 वर्क पर डे। टोटल काम कितना करना है? 6 वर्क। बी का एफिशिएंसी 2 वर्क पर डे। सी का एफिशिएंसी 1 वर्क पर डे, ठीक है। अब तीनों साथ मिलकर काम करेगा। जब तीनों साथ मिलकर काम करेगा ए प्लस बी प्लस सी, तो एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में तो सबको एफिशिएंसी ऐड करते हैं, 3 + 2 + 1, 3 + 2 + 1 कितना हो जाएगा? 6 वर्क। एक दिन में कितना काम कर रहा है? 6 वर्क, 6 काम कर रहा है। और टोटल हमें करना है कितना काम? 6 काम ही करना है, ठीक है। मतलब 6 वर्क पर डे करेगा, कब? जब तीनों साथ मिलकर काम करेगा तब। हमें निकालना है क्या? डे, कितना समय लगेगा। तो क्या हो जाएगा? वर्क, टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी, टोटल वर्क 6, इफिशियंसी तीनों का 6 = 1 दिन लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट समझिए आप, नेक्स्ट समझिएगा। ए अगर जो 10 दिन ले रहा है, बी 12 दिन ले रहा है कोई काम को करने में, तो इसका इफिशियंसी क्या होगा? तो 10 और 12 के एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। ये 6 टाइम्स, मतलब टोटल वर्क कितना करना है? 60 वर्क, ठीक है। दोनों का जब एलसीएम लेते हैं तो हमें इससे मिलता है टोटल काम कितना करना है। टोटल काम कितना करना है? 60 वर्क करना है। तो ए का इफिशियंसी क्या हो जाएगा? 6 वर्क पर डे। बी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? 5 वर्क पर डे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना दिन में काम कंप्लीट कर लेगा? तो क्या करेंगे, टोटल वर्क 60 है अपॉन इफिशिएंसी, दोनों मिला के इफिशिएंसी कितना है? 6 + 5, मतलब 60 + 11, इतना डेज लेगा, दोनों मिलकर काम करेगा तो काम कंप्लीट होगा। अब यहाँ हमें ये समझाना था कि ए और बी का जो टाइम का रेशियो होगा, क्या चीज़ का? टाइम का रेशियो। टाइम का रेशियो क्या है? ए और बी का 10/12 का रेशियो टाइम का, इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल, ठीक है, वो इफिशियंसी का रेशियो होगा। मतलब इसका रेसिप्रोकल 12/10, ये इसका इफिशियंसी का रेशियो होगा। मतलब जब कट करेंगे तो
दो से पाँच, दो से छः, द टाइम का रेशियो 5.6 है, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, 6/5। देख लीजिए, ए का एफिशिएंसी 6 है, बी का एफिशिएंसी 5 है, ए का एफिशिएंसी 6, बी का एफिशिएंसी 5। अब यहाँ से टोटल वर्क निकालना हो तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं 6 × 5। अब देखिए, लेकिन यहाँ पे जो हम किए हैं वो टाइम को क्या किए हैं, हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दिए, तो हमें टाइम को सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं करना है, तब हमारा टोटल वर्क आसानी से निकल जाएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दिया ना यहाँ पे, तो टाइम को हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं करना है, सिर्फ सिंपलेस्ट फॉर्म में किसे करेंगे, एफिशिएंसी का। तो जब हम टाइम को सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं करेंगे तो उस कंडीशन में टोटल वर्क हमारा निकल जाएगा 12 दिन, ठीक है, 12 दिन ले रहा है, और इसका एफिशिएंसी कितना का है, 5 का, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 12 × 5 = 60। मतलब टोटल वर्क निकालने के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, टाइम इंटू एफिशिएंसी, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। ए एंड बी कैन टुगेदर डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। ए और बी जो है 15 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, बी अकेला 20 दिन ले रहा है, तो पूछ रहा है ए कितना दिन लेगा। तो देखिएगा, ए प्लस बी कितना दिन ले रहा है, 15 डेज, बी कितना दिन ले रहा है, 20 डेज, 20 डेज। दोनों का एलसीएम जब निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ वर्क निकलता है, तो 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60, मतलब टोटल काम कितना करना है, 60 वर्क। इसका इफिशियंसी ए प्लस बी दोनों मिलाकर इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 15 × 60, मतलब 4 वर्क पर डे। बी का सिर्फ इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 3 वर्क पर डे। कोई दिक्कत नहीं है। तब देखिए, हमसे पूछ रहा क्या है, ए अकेला कितना दिन में करेगा, तो ए प्लस बी का इफिशियंसी 4 आया है, तो ए का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, ई 4 जो है आपका, ए और बी दोनों मिलाकर है, बी का वैल्यू 3 है दिया हुआ, तो ए का एफिशिएंसी कितना आ गया, 1 1 वर्क पर डे के हिसाब से ए कर रहा है, और 3 वर्क पर डे के हिसाब से बी कर रहा है। पूछ रहा है क्या, ए अकेला कितना दिन लेगा, तो ए के लिए निकाला है ना, टोटल नंबर ऑफ वर्क कितना है, 60, बटा इफिशियंसी कितना है, 1, तो ए अकेला कितना दिन लेगा, 60 डेज लेगा, मतलब आंसर डी। मतलब टोटल नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए, टोटल नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी, ये होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ये क्वेश्चन में ए एंड बी, ए एंड बी नहीं है, ठीक है, ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। ए प्लस बी दोनों मिलकर 30 दिन में काम कंप्लीट किया, ए 16 दिन काम करता है, जो काम बच किया वो बी फिनिश करता है 44 डेज में, तो बताइए टोटल काम कितना दिन में कंप्लीट होगा, ठीक है। ए का एफिशिएंसी, ए का इफिशियंसी पहले तो हम निकालते हैं कि टोटल वर्क कितना था, तो हमें तो किसी का इफिशियंसी भी दिया हुआ नहीं है, और ए जो काम कर रहा है वो सिर्फ 16 दिन ही किया, फिर काम भी बच गया, मतलब दोनों तो कंप्लीट काम नहीं किया है, नहीं किया है ना, तो हम तो इससे तो नहीं निकाल सकते हैं, इससे तो कैलकुलेट नहीं होगा हमारा टोटल वर्क कितना आएगा, नहीं होगा कैलकुलेट। तो हम क्या करेंगे, ए का इफिशियंसी मान लेते हैं ए था, और बी का इफिशियंसी मान लेते हैं बी था, ठीक। तो ए और बी जो है 30 दिन ले रहा है, मतलब इफिशियंसी ए का ए है और बी का बी है, ये 30 दिन काम कंप्लीट करेगा, 30 दिन काम किया, और बी भी जो है 30 दिन काम किया, ये अब आपका क्या आ गया, टोटल वर्क, टोटल वर्क मतलब 30 × a+b, ए प्लस बी दोनों का इफिशियंसी × 30 कर दिए, क्या निकल गया, टोटल वर्क, ये आपका टोटल वर्क क्या गया, टोटल वर्क इक्वल टू, अब ये इतना काम ए और बी मिलकर कर रहा है, ए कितना दिन काम किया, 16 दिन, तो 16 दिन काम किया ए की एफिशिएंसी के साथ,
एक आ निकल गया, टोटल कितना काम किया, जो बचा हुआ काम है वो बी काम किया 44 दिन में, तो बी का एफिशिएंसी बी था इंटू 44 कर दिया, टोटल नंबर ऑफ वर्क डन बाई बी, टोटल नंबर ऑफ वर्क डन बाई ए। यहाँ से ए और बी का रेशियो निकल जाएगा, क्या आ जाएगा, 16 ए इधर लाएंगे तो हो जाएगा 14 ए इक्वल टू 14 बी, मतलब ए अपॉन बी आ गया 1:1, 1:1, मतलब दोनों का जो इफिशियंसी है वो एक और एक का है। तो अब यहाँ से इफिशियंसी पता चल गया दोनों का, टोटल वर्क अब निकल जाएगा, टोटल वर्क कितना हो जाएगा 30 × 1 + 1 मतलब 60, टोटल काम कितना करना था 60। इन हाउ मेनी डेज बी फिनिश द होल वर्क अलोन, तो बी कितना दिन में करेगा बी, तो टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी मतलब 60 डेज में बी काम कंप्लीट करेगा, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज, ए 25 दिन में बी 20 दिन में, दे वर्क टुगेदर 5 डेज, दोनों साथ मिलकर 5 दिन तक काम किया, उसके बाद ए छोड़ दिया, तो पूछ रहा है बी जो रिमेनिंग वर्क कितना दिन में कंप्लीट करेगा, ए 25 दिन, बी 20 दिन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो पता चल रहा है ना कि दोनों कंप्लीट काम किया 25 दिन और 20 दिन में, तो यहाँ से टोटल वर्क निकल जाएगा, टोटल वर्क कितना आ जाएगा यहाँ पे 100, इसका इफिशियंसी आ गया 4 का, इसका इफिशियंसी आ गया 5 का। अब ए और बी जो है 5 दिन तक काम किया है पहले, तो टोटल वर्क निकल गया 100, 100 वर्क है टोटल, और ए प्लस बी जो है वो 5 दिन तक काम किया, 5 दिन तक कितना की एफिशिएंसी से, 4 + 5 की एफिशिएंसी से, तो कितना आ गया 9 × 5 = 45, 25 वर्क किया कौन, ए प्लस बी मिलके। उसके बाद बी रिमेनिंग वर्क कर रहा है, तो रिमेनिंग वर्क हो गया कितना, अब रिमेनिंग वर्क टोटल वर्क 100 − 45 कंप्लीट हुआ, तो रिमेनिंग कितना हो गया 55 वर्क। अब 55 वर्क कौन कर रहा है, बी कर रहा है, कितना दिन में करेगा, तो बी का इफिशियंसी क्या है, बी का इफिशियंसी 5 है, तो 55/5 मीन्स 11 डेज में रिमेनिंग वर्क कंप्लीट होगा, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी वेव अ कारपेट इन 10 डेज एंड 15 डेज, ठीक है, यहाँ भी कंप्लीट काम मिल गया, ए जो है 10 दिन में और बी जो है 15 दिन में कंप्लीट काम कर रहा है, टोटल काम निकल जाएगा, टोटल काम कितना आ गया 30 वर्क आ गया टोटल, 30 वर्क, ये इतना डेज है और ये भी इतना डेज है, इसका इफिशियंसी कितना का हो गया 3 वर्क पर डे का, इसका एफिशिएंसी कितना का हो गया 2 वर्क पर डे का हो गया, दे बिगिन 2 वर्क टुगेदर बट बी लीव्स आफ्टर 2 डेज, मतलब दोनों साथ मिलकर काम करना शुरू किया लेकिन बी जो है 2 दिन के बाद काम छोड़ दिया, तो इसका मतलब ए प्लस बी दोनों मिलकर 2 दिन तक काम किया, कितना के एफिशिएंसी से, 3 + 2 के एफिशिएंसी से, मतलब 5 × 2 = 10, 10 बार काम कंप्लीट कर लिया कौन, ए प्लस बी मिलकर, हो गया ए कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क हो गया कितना, रिमेनिंग वर्क 30 − 10 = 20 वर्क। अब रिमेनिंग वर्क कौन कर रहा है, बी छोड़ दिया तो ए कर रहा है, ए का एफिशिएंसी क्या था 3, ए का एफिशिएंसी 3 था, तो ए कितना दिन ले लेगा 6 होल 2 / 3 डेज हो जाएगा, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैन डू अ वर्क इन 18 डेज, बी इन 9 डेज, सी इन 6 डेज, ठीक है, मतलब कंप्लीट काम मिल गया, ए जो है 18 दिन, बी जो है 9 डेज, सी जो है वो 6 डेज। अब टोटल काम यहाँ से निकल जाएगा कितना, इससे आ जाएगा 18, इसका इफिशियंसी कितना का, टोटल काम आ गया 18, इसका इफिशियंसी निकल गया 1 वर्क पर डे, बी का इफिशियंसी 2 वर्क
पर डे, ठीक है। सी का एफिशिएंसी 3 वर्क पर डे हो गया। आफ्टर ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, ठीक है, ए और बी काम करना शुरू किया। आफ्टर 2 डेज सी ज्वाइन, 2 दिन के बाद सी ज्वाइन कर गया। कहने का मतलब ए और बी जो है 2 दिन तक काम कंप्लीट किया, 2 दिन तक कितना की एफिशिएंसी से, 1 प्लस 2 की एफिशिएंसी से, 3 × 2 6, 6 वर्क ए एंड बी कंप्लीट कर लिया। तो अब रिमेनिंग वर्क हो गया कितना, रिमेनिंग वर्क 18 माइनस 6 इक्वल टू 12 रिमेनिंग वर्क है। आफ्टर 2 डेज सी ज्वाइन दे, अब 2 दिन के बाद सी भी ज्वाइन कर गया, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी, अब तीनों मिलकर काम कर रहा है, तीनों मिलकर एफिशिएंसी कितना जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 मतलब 6 वर्क पर डे करेगा एफिशिएंसी। अब इसका तो पूछ रहा क्या, टोटल नंबर ऑफ डेज टेकन टू फिनिश द वर्क कितना समय लगेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी जो रिमेनिंग वर्क अब करेगा वो कितना दिन में कर देगा, तो 12/6 मतलब 2 डेज में। ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 2 दिन में कंप्लीट किया काम। ए प्लस बी पहले भी 2 दिन काम कर चुका है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर भी 2 दिन काम किया, टोटल नंबर ऑफ डेज कितना निकल गया, 2 प्लस 2 4 डेज, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज, बी कैन डू 21 डेज। ए जो है वो 14 डेज और बी जो है वो 21 डेज में काम कंप्लीट किया। दे बिगिन टुगेदर बट 3 डे बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क ए लीव्स ऑफ, ठीक है। पहले तो निकालते हैं टोटल काम कितना था, टोटल काम कितना हो गया, कितना हो गया टोटल काम 42। इसका एफिशिएंसी 3 वर्क पर डे, इसका एफिशिएंसी 2 वर्क पर डे, टोटल वर्क 42। अब देखिएगा, काम करना शुरू किया लेकिन 3 दिन पहले जो है ये काम छोड़ दिया, 3 दिन पहले छोड़ा, काम कंप्लीट होने से 3 दिन पहले काम ए छोड़ दिया। यहाँ से देखिएगा, आप 2 मेथड से फिर कर सकते हैं। पहला मेथड देख लीजिएगा, मान लेते हैं टोटल काम कंप्लीट हुआ, टोटल वर्क कंप्लीट हुआ 1 डेज में, कितना डेज में, 1 दिन में काम टोटल कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ए जो है, ए काम कंप्लीट होने के 3 दिन पहले ही छोड़ दिया, तो टोटल काम कंप्लीट हुआ 1 दिन में, तो ए काम किया कितना, 1 माइनस 3 डेज किया, ठीक है, कितना की एफिशिएंसी से, 3 की एफिशिएंसी से टोटल वर्क निकल गया। और बी जो है वो तो पूरा दिन काम कंप्लीट किया, पूरा दिन काम किया है ना, सिर्फ ए छोड़ा, बी जो है पूरा दिन काम किया, 1 दिन काम किया, 1 दिन काम किया कितना की एफिशिएंसी से, 2 की एफिशिएंसी से, टोटल काम कितना था 42, दोनों मिलकर इतना ही काम किया। ए जो है 3 दिन पहले काम छोड़ा था मतलब 1 माइनस 3 दिन काम किया, और बी जो है 1 दिन काम किया, तो यहाँ से आ गया 3x + 2x - 5x - 9 = 42। एक्स इक्वल टू आ गया 51/5 मीन्स 10 होल 1/5 मतलब 10 होल 1/5 दिन में काम कंप्लीट हुआ, ठीक है। यहाँ से आप इस तरह से भी कर सकते हैं, यहाँ से आप दूसरा मेथड भी देख लीजिए, देखिएगा। ए जो है, ए पहले के बी, बी पूरा दिन काम किया, पूरा 1 दिन काम किया। ए जो है वो 3 दिन काम किया मतलब 1 माइनस 3 दिन काम किया, 3 दिन, 3 दिन काम किया, ठीक है। अब 42 काम जो हुआ वो ए और बी मिलके तो सिर्फ इतना ही दिन में काम किया है, इतना ही दिन में, इतना ही मैंने काम किया 42 बार, इतना ही में किया। हम यहाँ से मानते हैं क्या, ए अगर 3 दिन और काम करता, ए अगर 3 दिन और काम करता तो वो कितना दिन में काम किया होगा, टोटल वर्क कितना होता। ए
3 दिन और काम करेगा तो टोटल वर्क कितना होगा? तो ए अगर 3 दिन और काम करेगा तो टोटल काम कितना कर देगा? 3 डेज इंटू इफिशियंसी इक्वल टू 9 वर्क और कंप्लीट कर देगा ए। कौन? ए कर देगा। तो अब टोटल वर्क जो अब होगा वो कितना हो जाएगा? 42 प्लस 9 इक्वल टू 51 वर्क हो गया। हाँ, अब ये दोनों को इफिशियंसी ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ डेज निकल जाएगा। ए का इफिशियंसी पूरा काम किया मतलब टोटल वर्क कितना निकल जाएगा? 51। मतलब ए भी इतना दिन काम किया और बी भी इतना ही दिन काम किया तो टोटल काम कितना होता? देखिए, ए भी इतना दिन काम किया, बी भी अब इतना दिन काम किया तो टोटल काम कितना हो गया? 51 काम हो गया। हो गया। ए बी जब इतना ही दिन काम करता और ए जब इतना ही दिन काम करता तो टोटल काम कितना होता? 42 क्वेश्चन के अनुसार। अब मान लीजिए ए 3 दिन और काम किया तो टोटल वर्कअप कितना हो गया? 51। ठीक है, तो ए का इफिशियंसी कितना है? 3। बी का इफिशियंसी कितना है? 2। तो दोनों मिलकर जब पूरा ही दिन काम किया, एक्स दिन ही काम किया, तो टोटल वर्क 5 वर्क प्रतिदिन कर रहा है। हाँ, 5 वर्क पर डे कर रहा है ए और बी मिलकर। तो 51 काम करने में कितना दिन लेगा? तो 51/5 मतलब 10 होल 1/5 डेज। आंसर आ जाएगा सी। आया समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी सी कैन डू अ वर्क 8 डेज 16 डेज एंड 24 डेज। ठीक है, ए जो है 8 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, बी जो है 16 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, सी जो है 24 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है। इतना डेज, इतना डेज, इतना डेज, टोटल वर्क कितना हो गया? एलसीएम कितना हो जाएगा? 48 आ जाएगा। 8 6 जा 48, 16 3 जा 48, 24 2 जा 48। इतना वर्क पर डे इफिशियंसी आ गया, इफिशियंसी आ गया, इफिशियंसी आ गया, टोटल वर्क हो गया 48। दे ऑल बिगिन टुगेदर, ए कंटिन्यू टू वर्क टिल इट्स फिनिश्ड। ए जब तक काम करता है जब तक काम कंप्लीट नहीं हुआ। सी 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, बी 1 दिन पहले काम छोड़ दिया। कब? पूरा काम कंप्लीट होने से। मतलब ए जो है वो कंप्लीट एक्स दिन काम किया, एक्स दिन। बी जो है वो काम कंप्लीट होने के 1 दिन पहले छोड़ा। मतलब काम जब एक्स दिन में कंप्लीट हो रहा है तो बी जो है एक्स माइनस दिन ही काम किया। सी जो है वो 2 दिन कम कंप्लीट काम किया। मतलब एक एक्स दिन में काम कंप्लीट हो रहा था तो सी जो है एक्स माइनस 2 दिन ही काम किया। इस तरह से काम किया तो पूरा काम कंप्लीट हो गया 48 हो गया है। तो हम मान लेते हैं यहाँ से क्या, बी 1 दिन और काम किया, 1 दिन और काम किया 1 डेज और, सी 2 दिन और काम किया 2 डेज और। तो अब बताइए टोटल काम कितना किया ए प्लस बी प्लस सी मिलकर? तो पहले से तो काम 48 किया था, रेड वाला जो है 48 प्लस बी 1 दिन और किया मतलब 3 काम और किया, सी 2 दिन और किया तो 2 2 जा 4, 4 काम और किया, टोटल काम कितना हो गया? 15 और 5 मतलब 55 काम हो गया। टोटल सब मिलकर कितना काम कर दिया? 55 वर्क किया। ए का एफिशिएंसी 6 था, बी का एफिशिएंसी 3 है, सी का एफिशिएंसी 2 है। तो ए प्लस बी प्लस सी मिलकर साथ में काम किया ना, अब पूरा दिन मिला लिया ना अब, तो कितना हो जाएगा? 6 प्लस 3 प्लस 2 इक्वल टू 11 मतलब 11 वर्क पर डे ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कर रहा है। टोटल काम करना है कितना? 55। तो नंबर ऑफ डेज कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ डेज 55/11 इक्वल टू 5 डेज, 5 डेज। आगे समझ में? इस तरह से बना सकते हैं या तो फिर आप इसे शॉर्ट मेथड में सीख लीजिए, शॉर्ट यही है। और देखिएगा दूसरा मेथड इसका, देखिएगा ये तो पूरा दिन काम किया मतलब मान लेते हैं टोटल वर्क
टोटल वर्क डन इन एक्स डेज, एक्स दिन में पूरा काम हुआ। तो ए जो है एक दिन में काम किया, एक दिन तक पूरा काम किया है। ए कब तक काम करता है? जब तक काम फिनिश ना हुआ। तो डेज इफिशियंसी इंटू नंबर ऑफ डेज, टोटल वर्क डन बाई ए हुआ, प्लस बी जो है एक दिन पहले काम छोड़ा, मतलब बी जो है एक्स माइनस वन दिन काम किया, कितना की इफिशियंसी से? 3 की इफिशियंसी से। सी जो है 2 दिन पहले काम छोड़ा, एक्स माइनस 2 दिन काम किया, कितना की इफिशियंसी से? 2 की इफिशियंसी से। टोटल काम कितना हुआ? 48, यही ना। तो हो गया 6x + 3x + 2x, मतलब 11x -3 - 4 = 48। आ गया 11x = 55, x = 5, 5 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी वर्क टुगेदर कंप्लीट द जॉब इन 10 डेज, ठीक है, साथ मिलकर काम किया तो 10 दिन, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 10 दिन में काम कंप्लीट किया। अब बताइए ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी, टोटल इफिशियंसी क्या है, रेशियो क्या है? 2 + 3 + 6, 2 + 3 + 6, इसका ही क्या इफिशियंसी, मतलब 11 वर्क पर डे करने का इफिशियंसी है। तो टोटल वर्क कितना हो गया? टोटल वर्क तो 10 डेज तक काम किया 11 की इफिशियंसी से, मतलब 110 वर्क हो गया टोटल। इन हाउ मेनी डेज वुड द रिक्वायर्ड द फास्टेस्ट वर्क टू कंप्लीट द इंटायर वर्क, तो सबसे तेजी में काम कौन करेगा? तो जिसका ज़्यादा इफिशियंसी होगा। सी का इफिशियंसी कितना है? 6 का, तो सबसे तेज में काम कौन करेगा? सी करेगा। तो सी कितना दिन लेगा? तो 110/6 मतलब आ जाएगा 1, यहाँ पे आ गया कितना, 50 8 = 48, मतलब 18 point something, मतलब लगभग कितना क्या आ जाएगा, 20 के आसपास, ठीक है, मतलब आता 19 के आसपास, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो 20 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लस बी 10 दिन में कर रहा है, कितना दिन में? 10 दिन में। बी प्लस सी कितना दिन में? 12 दिन में। ए प्लस सी कितना दिन में? 15 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है। तो टोटल वर्क कितना हो गया? तो 10 12 15 कैल्शियम 60, ये जो है 6 वर्क पर डे, ये जो है 5 वर्क पर डे, ये जो है 4 वर्क पर डे हो गया। तो नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड कितना दिन में वो सब मिलकर काम कंप्लीट करेगा? तो देखिएगा, ए प्लस बी का इफिशियंसी 6, बी प्लस सी का इफिशियंसी 12, ए प्लस सी का इफिशियंसी 15, सॉरी ए बी प्लस सी का इफिशियंसी 5 और ए प्लस सी का इफिशियंसी 4। तो ऐड करते हैं, 2a + b + c इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15, मतलब ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी कितना गया? 15/2 इफिशियंसी आ गया, ये इतना वर्क पर डे। तो टोटल काम कितना करना था? 60, यही ना, टोटल काम करना है आपको 60 करना है, इतना वर्क है टोटल। तो पूछ रहा है कितना दिन लेगा, तो नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए क्या होता है? टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी 15/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 15 4 = 60, 4 × 2 मतलब 8 डेज हो जाएगा, आंसर ए। ए अलोन डू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लस बी जो है वो 12 दिन में, बी प्लस सी जो है वो 15 दिन में, सी प्लस ए जो है 20 दिन में, टोटल वर्क निकाल लेते हैं कितना हो जाएगा? एलसीएम 60 हो जाएगा। ये आ गया 5 वर्क पर डे, ये आ गया 4 वर्क पर डे, ये आ गया 3 वर्क पर डे। तो 2 × a + b + c का टोटल इफिशियंसी कितना हो गया? 5 + 4 + 9, 5 + 4 + 3 मतलब 12 हो जाएगा, 12 वर्क पर डे। तो ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना हो गया? 6 वर्क पर डे, ठीक है। तो पूछ रहा है ए अकेला कितना दिन लेगा, तो बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है? बी प्लस सी का 4 है, बी प्लस सी का 4, तो ए प्लस बी प्लस सी का 4
इक्वल टू 6 वर्क पर डे, मतलब ए का एफिशिएंसी कितना गया, 2 काम प्रतिदिन। तो पूछ रहा है ए के द्वारा कितना दिन लगेगा, तो नंबर ऑफ डेज टेकन बाई ए क्या हो जाएगा, टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी, मतलब 30 डेज, कितना गया 30 डेज। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।